क्यों रे, उन ज्यादा उबाल मर रहा है तेरा? आप क्या बात कर रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं भैया। हमारे लड़के के बीच में क्यों आ रहा है? हा? जगह उसकी है भैया, अगर कोई गलती हुई तो मैं माफी चाहता हूँ। माफ कर दो तुझे भैया, मैं फिर कभी उस जगह पर नहीं बैठूंगा, जाने दीजिए मुझे। ए, इंटरव्यू ले रहे हो क्या उसका? मारो इसे। पत्थर फेंक के मारो। जगह भी मेरी, राजा भी मेरी। अरे तू चिंता क्यों करता है, हमें देखते ही भाग गया वो तो। जान देनी पड़ी तो दे दूंगा, लेकिन राधा नहीं दूंगा। तो चल अपनी जान दे ही दे। जान तुझे दे दूंगा तो राधा कैसे मिलेगी? क्या बोल रहा था? भाई हमें माफ कर दो भाई, अब हम लोगों को पता चल गया है भाई कि आप प्रेम करने वाले हीरो हैं और हम लोग विलेन हैं। अगर तुझे जगह चाहिए थी तो जगह मांगता ना, वो दे देता। राधा का नाम क्यों लिया तूने? प्यार और प्रेमी के बीच आने वाले मिनिस्टर को भी हीरो ने धो डाला, दूसरी फिल्म में कमिश्नर भी कुछ नहीं कर पाया। इतनी सारी फिल्में देखकर तुझे समझ में नहीं आता है क्या? अबे फिल्में देखकर तो प्यार की वैल्यू समझा कर। तेरी तो भाग्या से। ये बंदे दर्जन, ₹30 दर्जन, सस्ता, ₹30 दर्जन, ले जा। ए सीनू, ₹30 दर्जन। हाँ जिलानी, चल आजा चाय पीते हैं, साथ में गंगाधर को भी लेता। ठीक है। आओ आओ सीनू गंगाधर, ये देखो कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सब लोग बचपन के दोस्त हैं, यहीं पर जन्मे हैं और यहीं पर बड़े हुए हैं। कुछ छोटा मोटा काम करके ये लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ए, फोटो देख जरा, कृष्णा है क्या? जिसे स्कूल में ABCD नहीं आती थी, जो हर रोज मास्टर जी से मार खाता था, आज वो इतना बड़ा आदमी बन गया है। ए, चाहे जो भी हो, हमारा एक दोस्त आज इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच गया, हमें उसके ऊपर गर्व होना चाहिए यार। अरे देखो तो उधर दीवार पर पोस्टर बदल गया है, महेश बाबू की अगली फिल्म दुबड़ू का पोस्टर लग रहा है। अरे भाई अपना दोस्त है ना चंदू, वो इसी डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर है। तुझे याद है ना हमारे क्लास में वो सुजाता नाम की एक लड़की थी? हाँ, वो लक्ष्मी सुजाता IAS पास करके गुजरात में कलेक्टर बन गई है। हमारे साथ जो लोग पढ़ते थे सब कहीं ना कहीं सेटल हो गए, बचपन के दिन कितने अच्छे थे ना। मैं तो सोच रहा हूँ हम लोगों को एक बार मिलना ही चाहिए। अरे यार सब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ सेटल हो गए होंगे, उन सबसे मिलना पहले जितना आसान नहीं, क्या पता वो पहचाने भी नहीं। तू सही बोल रहा है महेश। अरे ऐसा क्यों सोचते हो,
हम सब मिलकर ही रहेंगे। मैं आपके विचारों की कद्र करती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली देखने जाएं तो ये मुश्किल है। इतने पुराने स्टूडेंट्स उनके वही पुराने एड्रेस पर मिल जाएं, इस बात की गुंजाइश बहुत कम है। मेरी बात मानिए तो रहने दीजिए। आप बस उसका एड्रेस दे दीजिए, हम लोग कुछ भी करके उसे ढूंढ लेंगे मैडम। ओके चल ठीक है, अब पहला फोन किसको लगाऊं बता। ए, वो कृष्णा को लगा, एबीसीडी वाला, वही जो यूएसए में है। And that's one thing. Excuse me, sir. Yep. Call from India. Excuse me, guys. We'll be back in a minute. Hello. Who's this? Andaza laga kaun bol raha hu? Sorry, kaun bol rahe hain aap? Kya bhai? America jaakar tu hum sabko bhool gaya kya? Zara yaad karna, dimag pe zor laga. Kaun bol rahe hain aap? अरे बचपन में तेरी साइकिल चुरा कर जो फिल्म देखने गया था ना, वही साइकिल चोर बोल रहा हूँ मैं। ए सीनू, तू बात कर रहा है क्या? हाँ सीनू। यार कैसे हो तुम लोग? हाँ हम लोग ठीक हैं, तू बता तू कैसा? हाँ एकदम बढ़िया हूँ। अपने चंदू, जिलानी, गंगाधर, हाँ ये सब लोग कैसे हैं? अरे वो सब लोग एकदम अच्छे हैं। और सुन, तुझे पता है मैंने फोन क्यों किया है? हम सब बचपन के दोस्त मिलकर हनीमून फंक्शन कर रहे हैं। बेवकूफ, हनीमून फंक्शन नहीं, हलीमोनियम। ओ हलीमोनियम। हाँ अच्छा, वो बचपन में हम सब फ्रेंड मिलकर फंक्शन करते थे ना, हलीमोनियम फंक्शन, तुझे भी आना ही पड़ेगा। फंक्शन कब है? इस महीने की 15 तारीख को है भाई। सबको बुलाया क्या? हाँ बुलाया है सबको। राधा को भी बुलाया है? हाँ राधा को भी बुलाया भाई। मैं जरूर आऊंगा। माँ, माँ आप कहाँ हो? माँ अरे वाह, देखो तो कितना खुश हो रहा है, जरूर ये इंडिया जा रहा होगा। तेरे पापा को पता चल ही गया। हाँ पापा, प्रोग्राम कल ही फिक्स हुआ है, कृष्णापुरम के स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन है, उसे अटेंड करके एक हफ्ते में आ जाऊंगा। आशीर्वाद दो पापा। हाँ खुश रहो। माँ जुग जुग जियो। कितने सालों बाद आज मैं खुद के करीब जा रहा हूं, मैं अपनी मिट्टी के पास जा रहा हूं। सबको अपना गांव अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए मेरा गांव मेरी चाहत है, मेरी जान है, मेरी आराधना है। उसकी यादें मेरा घर, मेरा स्कूल, मेरे टीचर्स, कृष्णा माँ, फ्रेंड्स, सबको मिलने जा रहा हूं। और उन सबसे मिलने से भी ज्यादा मुझे उस पल का इंतजार है जब मैं फिर से राधा से मिलूंगा। कहां हो तुम राधा? ड्राइवर कार रोकना। यह बस स्टॉप तब ऐसा नहीं था, यहां कितना कुछ बदल गया है। कुछ कहानियां यहां से शुरू होती हैं और यहीं पर खत्म हो जाती हैं, लेकिन मेरा प्यार गांव से शुरू हुआ था और आज देखो मुझे यहीं पर लाकर खड़ा कर दिया।
ये बस स्टॉप शायद इसीलिए बनाया गया है ताकि दो प्यार करने वालों को मिला सके। ये धूप में छांव देता है, बारिश में छाता देता है और जिंदगी भर एक प्यार की तरह याद भी रहता है। यहीं से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं। मेरा सफर यहीं से शुरू हुआ था। ये सब हैं मेरे स्कूल के टीचर्स जिन्होंने मुझे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए। यह है राघवेंद्र सर। आज मेरा जो स्टेटस है, मेरी इतनी शोहरत है, यह सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बदौलत है। ये हैं लक्ष्मी नारायण सर। बोर्ड पर स्पेलिंग लिखनी है, सबसे पहले कौन लिखेगा? ओए कृष्णा, तू आ जा बेटा, राम लिखना है। मुझे राम और रम का फर्क नहीं पता था, लेकिन इन्होंने मुझे अच्छे से समझाया। राम लिखने के लिए कहा तो रम लिखता है। जो मेरे लेफ्ट में खड़ा है वही है मेरा बेस्ट फ्रेंड चंदू। ये फिल्मों के पीछे पागल है। जिस दिन हमारा इसके साथ अटेंडेंस मिस हो गया तो समझ लो कि दीवार पर से फिल्म का पोस्टर भी बदल गया। सुपरस्टार की फिल्म देखने जरूर जाएंगे। अगर गए ना तो मास्टर जी बहुत मारेंगे। अबे मारेंगे तब ना, जब उन्हें पता चलेगा। हम लोग अभी यहीं से भाग लेते हैं। रेडी हो ना? रेडी रेडी रेडी। कैमरा स्टार्ट, एक्शन। अरे जिलानी, हाँ? पैसे दे दे। तू लेकर आया था ना, मेरे पास कुछ नहीं है। पैसे नहीं तेरे पास? 1 2 3 भागो। अरे कहाँ भाग रहा है? क्यों रे, सबके पैसे कौन देगा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता दादी, मुझे उन्होंने साथ बुलाया इसीलिए मैं आ गया। मुझे लगा उनके पास पैसे होंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, आप चाहे तो इसे रख लीजिए। बहुत भूख लगी है बेटा। ये ले और खा ले। ले। नहीं दादी नहीं, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है दादी। पैसे देने की जरूरत नहीं बेटा, तू बस पेट भर के खा मेरे बच्चे, पेट भर के खा। तेरे जैसे प्यारे बच्चे को भूखा नहीं रहना चाहिए। अरे कृष्णा, यहाँ पर हूँ पापा। हाँ चल बेटा, बहुत सारा काम है, हमें बाजार जाना है, चल। हाँ, ये स्कूल है, कोई आपका गार्डन नहीं। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और आप अंदर आकर अपने बेटे को ले जा रहे हैं, तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? मास्टर जी, मेरा बेटा बहुत होशियार है, बिना पढ़े नंबर लाता है, पढ़ाई करके क्या हासिल कर लेगा? पापा हा? आप इनसे बहस क्यों कर रहे हैं? कोई फायदा नहीं है। हाँ? चलिए हमें बाजार जाना है। चला जा। दिन बीतते गए और सेवंथ का रिजल्ट आ गया। यातुराम सर पास, राम बाबू सर पास, मोहन सर पास, सोमू सर पास, चंदू पास, यस कृष्णा फेल। हाँ मैं फेल हो गया सर, अब मैं घर जा सकता हूँ ना। अरे पकड़ो उसको। अरे मैं फेल हो गया। अरे सर, ऐसे कैसे मुझे जाने दीजिए ना। सर वैसे भी 8 क्लास में बच्चे कम हो गए हैं, इसे 8 में डाल दो। सोचा था स्कूल से निकाल देंगे तो पापा के साथ थोड़ी खुशी बांट लूंगा, लेकिन मेरी किस्मत का कांटा उल्टा घूम गया। तो अब तुम लोग बच्चे नहीं रहे, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, समझ में आ गया ना? अगर तुम में से कोई हाफ पैंट पहन कर आया है तो वो खड़ा हो जाए। क्यों फुल पैंट पहन कर क्यों नहीं आए? मेरे पापा ने सिलवा कर नहीं दी सर, बोले तेरे पास चड्डी है ना, पैंट पहन कर क्या तीर मार लेगा। तो ये चड्डी पहन कर तू तीर मार लेगा क्या? इसे भी उनके हाथ में दे आना चाहिए था। न्यू एडमिशन सर। हो नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? राधा। वेरी गुड नेम, जाओ जाकर बैठ जाओ। बच्चों, तुम लोगों से मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। भारत देश की राजधानी कौन सा शहर है? हे कृष्णा सर, तू जवाब दे। पता नहीं सर। गधा कहीं का। राधा तुम बताओ बेटा। न्यू दिल्ली सर। वेरी गुड, राधा की तरह होशियार बनो। हे तू इधर आ, नालायक कहीं का, शर्म नहीं आती है तुझे? है? राधा
सर। इधर आ बेटा, इस गधे को जरा अक्ल आ जाए, इस एक चमाट दे तो जरा। एक तो पहले ही उसे देखकर मैं खो गया था, ऊपर से सर ने उसको मेरे सामने खड़ा करके आंखों में आंखें डालकर देखने का मौका दे दिया। बेचारा। राधा की मासूमियत को देखकर मुझे उस वक्त बहुत ही सुकून मिल रहा था, और उसी दिन से वो राधा मेरे दिल में बस गई। इज्जत का सवाल था, और लड़कियों के लिए हमारी फीलिंग हिमालय पर भी चढ़ा देती है हमें। राधा को इम्प्रेस करने के लिए पहली बार मैंने बुक हाथ में ली। हमारे देश का क्या है? कल के क्वेश्चन का जवाब मुझे आता है सर। बताओ फिर। भारत देश की राजधानी न्यू दिल्ली, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, कर्नाटक बेंगलुरु, तमिलनाडु चेन्नई, ओडिशा भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल कोलकाता, महाराष्ट्र मुंबई, केरला त्रिवेंद्रम, झारखंड रांची, पंजाब चंडीगढ़, गुजरात गांधीनगर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, गोवा पणजी, राजस्थान जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, नागालैंड कोहिमा, मेघालय शिलांग, मणिपुर इम्फाल, हरियाणा चंडीगढ़। सर सारे देशों की राजधानियों के नाम भी बोलूं क्या सर? रहने दो, चल इधर आ। सर इधर आ। गुड, अब मिला मुझे अप्रिसिएशन। मैं भी खुश हुआ। सर ने कंधे पर हाथ रखकर मुझे शाबाशी दी। राधा भी बहुत खुश हुई। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं बाल चंद्र की कोई फिल्म देख रहा था। उसके बाद तो सर से मार की जगह शाबाशी लेने के लिए और राधा को इंप्रेस करने के लिए मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। अब जो लड़की पसंद आई है उसके साथ जान पहचान तो बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए उस उम्र में जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने किया। किसी ने हवा निकाल दी क्या? मैं हवा भर दूं? राधा से दोस्ती करने के लिए मैंने कितनी बार हवा निकाली और कितनी बार हवा भरी थी मुझे भी नहीं पता, पर उसे देखते हुए जब मैं हवा भरता था तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता था। ओके थैंक्स। यस। मेरे मांगते ही उसने मुझे नोट्स दे दिए, और अगर किसी के मांगते ही कोई उसे नोट्स दे देता है तो इसका मतलब है वो उसे पसंद करता है, और नोट्स के बदले में अगर कोई किसी को कुछ देता है इसका मतलब वो भी उसे पसंद करता है। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? राधा तुम बहुत ज्यादा इंक पेन यूज करती हो जिसकी वजह से तुम्हारे लिखे हुए अक्षर खराब हो सकते हैं, और इसीलिए मैं तुम्हें ये रेनॉल्ड पेन गिफ्ट कर रहा हूँ, ले लो। थैंक यू कृष्णा। कृष्णा बुलाया माँ? बेटा मैंने इसमें 5 रुपए रखे थे, तूने लिए हैं क्या बेटा? हाँ माँ मैंने लिए थे, वो लिखने के लिए पेन लेना था इसीलिए। तूने लिखने वाली पेन के लिए पैसे लिए? ठीक किया, कोई बात नहीं। अरे बहन जी कब से धूप में खड़ा हूँ, जल्दी आइए ना। 2 मिनट रुको, आ रही हूँ। भैया मैंने जो पैसे रखे थे मेरे बेटे ने उससे पेन खरीद ली, और जब अगले हफ्ते आओगे ना तब मैं इसे खरीद लूंगी, अभी से ले जाओ। अगले हफ्ते आपके पास नोटों के बंडल रहेंगे क्या? छे पैसे नहीं रहते तो लेते क्यों हो, जाओ यहाँ से। बेटे ने पेन खरीद लिया, जैसे पढ़ लिख कर पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाला है। उस दिन मैंने माँ को रोते हुए देखा। माँ को ये दुख नहीं था कि वो बिंदिया ना ले सकी, लेकिन किसी ने उसके बेटे को भला बुरा कहा था इसलिए उसकी आंखों में आंसू थे, और उन्हीं आंसुओं को पोंछने का मैंने फैसला किया। इंटर एग्जाम पास करके मैं कॉलेज में आया। राधा ने भी मेरे साथ इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया। राधा ये फूल तुम्हारे बालों में बहुत अच्छा लगेगा राधा। सच में? थैंक यू।
राधा को दिया हुआ वो फूल तो मुरझा सकता है, लेकिन राधा पलटकर मुझे जो स्माइल देती थी ना, वो कभी मुरझा नहीं सकती। May I come in, sir? Come in. ये मेरी सीट है, मेरी सीट है, मेरी सीट है। ये जरा सरक उधर। कृष्णा रुको। क्या हुआ? कृष्णा तुमने मुझे जो फूल ला कर दिया था ना, वो अब तक मुरझाया नहीं है। कहाँ से लाए थे तुम इसे? ए कृष्णा तू क्या बेवकूफ है? ए वो सुसाइड पॉइंट है, तू उसे वहाँ क्यों लेकर गया? अरे इसीलिए गवर्नमेंट ने वहाँ डेंजर प्लेस का बोर्ड भी लगाया हुआ है। हम लोग वहाँ गए भी और वापस भी आ गए, तो अब तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अरे तू उसे वहाँ लेकर गया ना, इसी वजह से उसे फीवर आ गया। फीवर आ गया? तब तो राधा को देखने जाना पड़ेगा, पर कैसे जाऊं? सरोजा बाजार जाकर बैंगन लेकर आ। हाँ, और क्या था? हाँ, कड़ी पत्ता भी लेकर आ। 10 रुपए में क्या क्या आएगा माँ? जितना आएगा उतना ही लाना। टिंग टिंग। मम्मी। हाँ। पूरी दुकान हमारे घर पर आ गई माँ। दुकान हमारे घर कैसे आ सकती है? कृष्णा राधा का क्लासमेट हूँ। अंदर आ जाओ बेटा, बैठो। राधा, कृष्णा आया है तेरा क्लासमेट, कॉफी लेकर आ। अरे देख क्या रही हो, अंदर लेकर जाओ। बहुत अच्छी है सब्जियाँ, फ्रेश है ना? थैंक यू। सब कुछ हमारे खेत का है, हम लोग उगाते हैं। ओ ऐसा? आपके खेत में ऐसे किलो किलो में सब्जी उगती है क्या? किलो क्या, क्विंटल क्विंटल उगती है। ये तो ऐसे बांध कर आ गया था, जाओ जाओ अंदर लेके जाओ। ओ ऐसा? क्विंटल 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 क्विंटल। कॉफी लो ना कृष्णा। तुम्हें बुखार आया है क्या? अब ठीक हूँ। फिर कॉलेज कब से आओगी? कल से ही आ जाऊंगी। मैं चलता हूँ। आंटी, मैं चलता हूँ आंटी। अरे बात बन गई, बात बन गई। हेलो, जरा ये बताना, आप खेत में सब्जी के साथ साथ वजन भी उगाते हैं क्या? समझदार हो। कॉलेज के क्लासरूम से ज्यादा लंच टाइम इम्पोर्टेंट लगता था। कृष्णा नदी के पास सबका बैठकर लंच करना बहुत अच्छा लगता था। ए कुसुम, तू अंडा खा रही है? तू तो वेजिटेरियन है ना? अरे ये मेरा टिफिन नहीं है, सुधा का है। रोज आलू बैंगन भिंडी लौकी खाकर बोर हो गई थी, इसलिए आज से सब खाना शुरू कर दिया। कृष्णा। बोलो राधा। लंच बॉक्स नहीं लाया क्या? मैं कभी भी लेकर नहीं आता हूँ राधा, जब सुबह घर से निकलता हूँ तो दोपहर का खा के ही निकलता हूँ और फिर वापस शाम को जाके खाता हूँ। ये लो। नहीं राधा तुम खा लो। मैं दे रही हूँ ना, खा लो। राधा। वो वहां क्या लिख रहा है? अपनी श्रद्धा।
मैं कुछ समझा नहीं। हम लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उन पर विश्वास है। कुल देवी के पास ही जाकर सब बच्चों के लिए मन्नत क्यों मांगते हैं? उन पर उन्हें विश्वास है। ये भी वैसा ही है, यहाँ के लोगों को इस नदी पर बहुत विश्वास है। पत्थर पर अपनी इच्छा लिखने से पूरी हो जाती है। सच में? विश्वास करो कृष्णा, जब मुझे भी कोई दुख होता है तो मैं भी यहीं आकर इनसे कहती हूँ, और ये सुनती भी है, और फिर अपने प्रवाह में मेरे सारे दुखों को बहा कर ले जाती है। वहाँ पर देखो, सुजाता ने भी लिखा हुआ है IAS बनने के लिए, और वहाँ पर देखो सलीम ने क्या लिखा है, मेरी बहन की शादी हो जाए। आस्था का ना कोई धर्म होता है और ना ही जात पात, आपका विश्वास ही सबसे बड़ी आस्था है। यहाँ के लोगों को इस नदी पर बहुत विश्वास है, पत्थर पर अपनी इच्छा लिखने से पूरी हो जाती है। तो मैंने अपने दिल की बात लिख दी है, अब उस दिन का इंतजार है जब राधा अपने दिल की बात इस पर लिखेगी। जगह मेरी है, ये जगह मेरी है। चल मैं आती हूँ। कृष्णा हो, चलो ना लंच करते हैं। अरे मैं अभी घर से खाना खाकर ही आया हूँ, तुम कर लो जाओ। तुमने खा लिया, ठीक है। अरे कृष्णा, बारिश बहुत तेज हो रही है, संभल कर जाना। ठीक है बाबू भाई। क्यों रे, उन ज्यादा उबाल मार रहा है तेरा? आप क्या बात कर रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं भैया। हमारे लड़के के बीच में क्यों आ रहा है? जगह उसकी है भैया, अगर कोई गलती हुई तो मैं माफी चाहता हूँ। माफ कर दो तुझे भैया, मैं फिर कभी उस जगह पर नहीं बैठूंगा, जाने दीजिए मुझे। ए, इंटरव्यू ले रहे हो क्या उसका? मारो इसे। पत्थर फेंक के मारो।
जगह भी मेरी, राजा भी मेरी। अरे तू चिंता क्यों करता है, हमें देखते ही भाग गया वो तो। जान देनी पड़ी तो दे दूंगा, लेकिन राधा नहीं दूंगा। तो चल अपनी जान दे ही दे। जान तुझे दे दूंगा तो राधा कैसे मिलेगी? क्या बोल रहा था? हाँ? भाई हमें माफ कर दो भाई, अब हम लोगों को पता चल गया है भाई कि आप प्रेम करने वाले हीरो हैं और हम लोग विलेन हैं। अगर तुझे जगह चाहिए थी तो जगह मांगता ना, वो दे देता। राधा का नाम क्यों लिया तूने? प्यार और प्रेमी के बीच आने वाले मिनिस्टर को भी हीरो ने धो डाला, दूसरी फिल्म में कमिश्नर भी कुछ नहीं कर पाया। इतनी सारी फिल्में देखकर तुझे समझ में नहीं आता है क्या? अबे फिल्में देखकर तो प्यार की वैल्यू समझा कर। तेरी तो भाई से। ये बंदर, ये तेरी लास्ट वार्निंग है प्यार करने वाले लोगों को कभी उंगली नहीं करने का, अगर करेगा तो जैसी तेरी अभी धुलाई हुई ना वैसी दोबारा धुलाई होगी। डोलिए मुझे, समझ गया मैं। क्या समझ गया? मेरी बत्ती गुल है। बस अब बहुत हो गया, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। क्या सिर्फ लड़के ही लड़कियों से प्यार करते हैं? लड़कियां प्यार नहीं कर सकती? तुम्हारी आंखों में देखने के बाद मुझे यह यकीन हो गया है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बोलो, इकरार करने से डरती क्यों हो? हम तुम्हारे लिए गाने लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तारीफ करते हैं, और तुम प्यार करती हो इस बात का इजहार करने से भी डरती हो। भला क्यों हम ऐसी लड़कियों के लिए देवदास बन जाएं? खैर छोड़ो ये सब, हमने दिल ही दिल में एक दूसरे का होने का फैसला कर लिया है, क्योंकि हम प्रेमी हैं। ठीक है, मैं ही पहले बोल देता हूं। पहला वर्ड करेक्ट है, आगे बोलो बोलो। आई बोल कृष्णा बोल। अरे क्या हुआ तुझे? नहीं कृष्णा, हाँ एक पेज का डायलॉग तूने फटाफट बोल दिया और ये तीन शब्द तुझसे बोले नहीं जा रहे। यार तू समझ क्यों नहीं रहा, डायरेक्टर्स आने वाले हैं, ये ड्रामा नहीं मेरी लाइफ है यार। ए, ए, ए सुनना, ए कृष्णा, कृष्णा सुनना, कृष्णा कृष्णा क्या हुआ? ए वो डायलॉग बदल दे यार। क्या इस सीन का आई लव यू तो मेन डायलॉग है। मेरी लाइफ का भी वही मेन डायलॉग है। अरे कृष्णा ये सिर्फ ड्रामा है यार। ड्रामा होगा तेरे लिए, लेकिन मेरे लिए तो लाइफ है। और मैं राधा से पहली बार ये शब्द बोलने जा रहा था। जब भी मैं उसे ये शब्द बोलूं तो उसे मेरे प्यार को एक्सेप्ट करना चाहिए, और तभी मेरे बोलने का मतलब होगा आई एम सॉरी यार। ए, तुम मिडिल क्लास प्रेमी ऐसे ही होते हो, तुम्हारी लव स्टोरी सुनने के लिए अच्छी है। प्यार करता है तो इकरार भी कर, वरना उसकी शादी कहीं और हो जाएगी और तू ऐसे ही रहेगा। मैं कह रहा हूँ तेरी उम्र ऐसे ही बीतेगी। ए, कोई डायलॉग बोलने वाले को ढूंढो रे। ए चंदू, आई लव यू वाला डायलॉग मैं बोलता हूँ ना। तू बोलेगा? हेलो, ये लव सीन है,
तुम्हारे वेट को सूट नहीं होगा। अरे तो क्या हुआ, ट्राई तो करने दो, मुझसे मोटे लोग प्यार करते हैं, मैं तो फिर भी पतला हूँ यार। लाइक और लव करने का मतलब पता है तुम्हें? हाँ पता है, लाइक मतलब अंगूठे का ठेंगा, क्या, और लव का मतलब रेड लॉलीपॉप। लॉलीपॉप, और नहीं तो क्या, आखिर ड्रामा में करना ही क्या है, सर्कस के बंदर की तरह तुम लोगों को जाकर के पटाना है। अगर किस्मत अच्छी रही तुम लोग पट गई तो प्यार हो जाएगा, और प्यार हो गया तो अब ए चंदू मारा क्यों भाई? थैंक यू चंदू, मैं भी मारने ही वाली थी, तुमने ही मार दिया। मैंने कुछ गलत बोला क्या? अरे तेरे जैसे को चप्पल से मारना चाहिए। आई लव यू का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब होता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। नाटक में भी मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से साथ जीने से लेकर साथ मरने तक का वादा होता है, और इसलिए नाटक करते हुए भी मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सका था, मुझे माफ करना। माँ? हाँ? माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। माँ ये क्या बेटा, आज तो तेरी छुट्टी थी ना? आज कॉलेज में मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जाना है माँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ माँ। अच्छा जरा रुक, मैं तेरा डब्बा लेकर आती हूँ। माँ, माँ, मैं खाना नहीं लेकर जाऊंगा माँ, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा, जरा इधर आना, मुझे गुड लक दो। हाँ। कृष्णा, कृष्णा, अब क्या हुआ माँ? रात भर जाकर तूने पढ़ाई की, इतनी मेहनत से ये लिखा था और तू इसे ही भूल कर जा रहा था। क्वेश्चन पेपर में यही सवाल आ गया तो ये ले, लेके जा, लेके जा बेटा। मैं घर जाकर भगवान से प्रार्थना करूंगी तू एग्जाम में पास हो जाए। हाँ जा बेटा जा, वरना एग्जाम में लेट हो जाएगा। जा बेटा जा। हाँ कॉलेज नहीं गए? एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करूं समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए। प्रॉब्लम किसकी है बताओ, मैथ्स या केमिस्ट्री की? तुम ही मेरी प्रॉब्लम हो। हाँ? मतलब तुम्हारा पसंदीदा सब्जेक्ट है ये बोलना चाहता था, मैंने अपने तरीके से तो सॉल्यूशन निकाल लिया है, तुम पढ़कर बताना कि ये सही है या गलत है। श्योर। हाँ? मैं देखकर तुम्हें कल सुबह तक बताती हूँ कि तुम्हारा सॉल्यूशन राइट है या रॉन्ग, ठीक है ना? ठीक है। मैडम ये कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं देख लूंगा, आप जाइए। लेकिन सर। देखिए मैडम, ये कॉलेज है, यहाँ स्टाफ का लीव लेटर लिखना और स्टूडेंट्स का लव लेटर लिखना एकदम कॉमन है, आप टेंशन मत लीजिए, ये प्रिंसिपल हमेशा यही देखता आया है। अरे ए सेक्शन में से कृष्णा को बुलाओ। सर ये क्या है, ये तूने ही लिखा है ना? मैं कौन बनेगा करोड़पति का सवाल नहीं पूछ रहा, बस तेरी राइटिंग है ये कंफर्म कर रहा हूं। लेटर सर। कौन सा लेटर है? लव लेटर सर। किसको लिखा था? लड़की को। ज्यादा चालाक मत बन, हमारे इस कॉलेज में 150 लड़कियां हैं,
किसको लिखा था ये बता। राधा को सर। नाम लेते हुए तेरी आवाज में बड़ी कशिश पैदा हो गई, कहीं ज्यादा डीप लव तो नहीं हो गया ना? पता है ये लेटर उसकी माँ के हाथ लग गया, रात भर सो नहीं पाई वो। आरे राधा आरे राधा, आसो माँ की शरद रात्रि, रासलीला है ब्रिज में, रासलीला है ब्रिज में। राधा भी तुझसे प्यार करती है क्या? यही तो डाउट है सर। मतलब तुम लोगों का ट्रू लव है ना? लेकिन इस बात का क्या सबूत है तेरे पास? एविडेंस ये है कि वो मुझे देखकर पलट के मुस्कुराती है, सामने आती है तो बात करती है, नोट्स भी मांगते ही दे देती है सर। और इतना ही नहीं सर, मैं फूल देता हूँ तो वो अपने बालों में लगा लेती है, जब मैं लंच बॉक्स लेकर नहीं आता तो अपना आधे से ज़्यादा खाना मुझे खिला देती है, जब भी मैं उसके घर जाता हूँ तो मुझे बिठाकर वो बहुत अच्छी कॉफ़ी पिलाती है सर। ये तो लव ही है ना सर। क्या दिया, क्या लिया, क्या खिलाया, क्या पिलाया, ये कोई सबूत नहीं है। राधा ने तुझे डायरेक्ट आई लव यू कहा है क्या? मतलब देखने से पता चलता है तो बोलने की क्या जरूरत है सर? आप इस बारे में कोई डाउट मत रखिए सर। डाउट तो हम लोगों को ही रहता है ना, स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। उधर जाके कोने में खड़ा हो जा, वहां जाके कोने में खड़ा हो जा बेटा। सर। राधा आओ बेटा। राधा तुमसे एक बहुत ही छोटा सा काम था। जी कहिए सर। मैं आजकल एक नॉवल लिख रहा हूँ, उसका सब्जेक्ट है लव। उसमें मुझे कुछ छोटे छोटे डाउट्स हैं। आज की यंग जनरेशन लव के बारे में क्या सोचती है, इस बारे में मुझे जानकारी चाहिए। तुम कॉलेज की टॉपर हो ना, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तो लव के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सर तुम कुछ गलत मत समझना बेटी, मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। हमारी फैमिली बहुत गरीब है सर, माँ ने तकलीफें झेलकर मुझे किसी तरह पढ़ाया है, अब सीए बनना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। और रही बात प्यार की, तो मुझे तो सिर्फ एक ही प्यार पता है सर, और वो है पिता का। लेकिन अब वो नहीं रहे, अब माँ ही सब कुछ है। तुम्हारा मतलब मैं समझ गया, तुम्हारी नजर में बाप का प्रेम बड़ा है, उसके अलावा और किसी का नहीं, और माँ तुम्हारे लिए सब कुछ है। हाँ सर। तुम्हारी बात सुन के मुझे सब कुछ एकदम क्लियर हो गया, अब तुम जा सकती हो। गॉड ब्लेस यू बेटी, चलो जाओ। आजा रे कृष्णा, आजा रे कृष्णा, आजा रे। सुन लिया बेटा, लव करने चला था तो चल, अब तू मुझे लव की डेफिनेशन समझा दे। लव क्या है पता नहीं, लाइफ क्या है पता नहीं, फ्यूचर क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन नोटबुक से पेज फाड़कर लव लेटर लिखने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हो। कृष्णा सचिन तेंदुलकर को भी लव हुआ था, पर एक बात सुन ले, वो बैट फेंक कर किसी के आगे पीछे नहीं भागा, फिल्मों के पीछे नहीं भागा, वो अपने लक्ष्य के पीछे भागा, कप के पीछे भागा, ग्राउंड में भागा, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस की और सेंचुरी पे सेंचुरी मारी, फिर पैसा आया, फिर नाम कमाया और पूरी दुनिया में फेमस हो गया, और उसके बाद उसके पास प्यार भी आ गया। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सुन। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक वैसे ही ये लव नाम की चीज है ना, दिस इज ऑल्सो इंजूरियस टू यूथ, ये उसे बिगाड़ देता है। ये शब्द लव LOVE का मतलब है लॉट्स ऑफ वेरिंग इमोशंस। जब उम्र बढ़ जाती है ना तो लव यू के मतलब भी बदल जाते हैं, और जब मतलब बदल जाते हैं तो लड़की भी बदल जाती है। आज राधा है, कल सीता होगी, परसों गीता होगी, और उसके बाद हो सकता है परीता आ जाए, और आखिर में दिल टूट जाएगा। पहले लक्ष्य हासिल करो, उसके बाद प्यार करो। प्यार करने के लिए अपने जीवन के लक्ष्य को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये जिंदगी भी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हें ही करना है।
कृष्णा खाना खाने आजा बेटा, आप भी आ जाइए। हाँ आ रहा हूँ। हाँ तो बताओ आज क्या लाई हो? घर में सब्जी नहीं थी तो टमाटर की चटनी बनाई है, इसी से काम चला रहा है। अरे कृष्णा तेरे मास्टर जी आए थे, उन्होंने कहा तेरी फोटो पेपर में छपी है, जरा देख तो बेटा। फोटो आई है? क्या कांड कर दिया इसने? पापा रिजल्ट में मुझे सेकंड रैंक मिला है पापा, इसलिए मेरी फोटो पेपर में छपी है। अब मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ पापा, सेकंड रैंक आया है तो मुझे फ्री में सीट भी मिल जाएगी पापा। अरे आगे की पढ़ाई किस लिए? हमारी जायदाद, हमारी मिल्कियत, हमारा सब कुछ तो एक खेत है, पेट भर के चटनी रोटी भी खा रहे हैं, सुखी है ना हम लोग। बेटा इस जमीन पर भरोसा कर, ये कईयों का पेट आराम से भर सकती है। अगर तू पढ़ाई करेगा तो 10 लोगों का खर्चा तुझ पे लगाना पड़ेगा। पापा अगर मैं पढ़ाई करके इंजीनियर बन गया ना तो गांव में आपका सर भी गर्व से एकदम ऊंचा हो जाएगा। सुनिए हमें जो तकलीफें हुई इसे नहीं होनी चाहिए, आप इसे पढ़ने दीजिए ना, अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो थोड़ी सी जमीन बेच देंगे हम। प्रिंसिपल के कहने के मुताबिक मैंने लक्ष्य चुन लिया और इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तूने भी यही कॉलेज ज्वाइन किया? हाँ। क्या बात है, कोई टेंशन ही नहीं अब तो, अब साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे। अरे यार अब तो हम कॉलेज में आ गए, अब हमें बैट बॉल खेलने से कोई नहीं रोक सकता, समझा ना? अबे लड़कियां तो देख एक से एक है। अभी ये सब शहर की लड़कियां हैं, अगर उल्टा सीधा बोला ना तो सीधा कान के नीचे पड़ेगी। अरे तेरा भाई फास्ट बॉलर है, अब देखता रहे विकेट कैसे गिरते हैं। ये देख खुशी ने अपनी कमेंट्री स्टार्ट कर दी। अब फाइनली मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताती हूँ, यहाँ के जितने बॉयज है ना बहुत ही चालू है, बॉयज आर बैड, उनके दिमाग में वही बात होती है, वही का मतलब क्रिकेट। मुझे क्रिकेट जरा भी पसंद नहीं। हम सारी लड़कियां है ना ऐसे ही बोलती हैं, लेकिन अब जनरेशन बदल गया है, क्रिकेट में 2020 आ गया है, फटाफट खेलो, हाथ झाड़ो और चलते बनो, कितना सिंपल हो गया है। लेकिन खेलते वक्त हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। हेलमेट किस लिए? बैटिंग के दौरान सेफ्टी चाहिए ना। ओ तुझे क्या बूस्ट मंगवा के दूं? जाने दो भाई, वो मुझे मार डालेगा। अरे मैं तुझे बॉक्सिंग करने थोड़ी कह रहा हूँ, बस तू उसके पास जा और उसके सिर में ऐसे करके मार, बस इतना ही करना। प्लीज भाई मुझे जाने दीजिए। तू ये कॉलेज के लायक नहीं है, एक काम कर अपने गांव वापस चला जा। भाई जरा दुबला पतला है, संभल कर मारना। आ, क्या रे है? तेरी तो ले, ए, क्या हुआ? अपनी गर्लफ्रेंड खुशी को देख। अरे ये साल भी वही, अबे हिस्ट्री बन चुकी है यार, बोर हो गया हूँ मैं, कोई फ्रेश चाहिए, एकदम फ्रेश, समझा? क्या यार अगर कोई फ्रेश भी आ गई तो भी क्या होगा? मतलब तू टाइम पास करेगा फिर उसे छोड़ देगा, इससे अच्छा कोई सीधा साधा लड़का उसे मिल जाए। ओ बाबा नया बकरा देखो तो। ए हाँ तुझे बुला रहा हूँ, इधर आ। कौन से गांव से है? कृष्णापुर से। अरे बाप रे वहां से आया है, एयर बस से आया है या पैर बस से? अच्छा ठीक है, एक काम करेगा क्या? हाँ। वो बेचारी कृष्णापुरम से अपने राज की उम्मीद में वो ग्रीन ड्रेस वाली वहां वेट कर रही है, तू जा और उसे आई लव यू बोल के आ। रैगिंग कर रहे हो? सॉरी भाई मैं ये नहीं कर सकता।
तो फिर उधर जो खड़ा है ना, जा और उसे टपली मार के आ। भाई क्या कह रहे हो, वो तो बॉडी बिल्डर है, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। दूसरा कोई काम बताओ, मैं करूंगा। अच्छा तो जिस बस से आया है ना उसी से वापस चला जा। ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन ही बेटर है। भाई ऐसा मार कि मुंह फट जाए साले का। सॉरी बॉस, इजी समझा होगा लेकिन गलत थे। क्या मारा यार, क्या वजनदार पंच था। कैंपस में मैं हमेशा टॉपर को ही सिलेक्ट करती हूँ और इस कैंपस में मैं तुम्हें अपने लिए सिलेक्ट कर रही हूँ। ओपन ऑफर है, आई लव यू, बाय। यार तू उसे छुटकारा पाना चाहता था ना, है? उसका पंच देखकर उसने तुझको छोड़ ही दिया। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ए, अंदर सब सो गए हैं क्या? हम लोग सब सो गए। गुड गुड। पर तुम क्यों जाग रहे हो? सर वो क्या है ना, आप आए तो कोई आपको जवाब देने वाला चाहिए ना, इसलिए मैं जागा हुआ हूँ सर। बहुत होशियार है यार तू। हॉस्टल रूम को बार रूम बना दिया है। शराबत से बता दो मुझे, मुझे मारने में किस आदमी का हाथ था यहाँ पर? सर यहाँ आपको आदमी कौन दिख रहा है सर? ये क्या बोल रहे हैं? We are boys sir। तो ऐसे बोल रहा है। एक बात समझ में नहीं आ रही सर, वो कौन था जिसने आपको पीछे से मारा? सिर्फ आप ही तो यहाँ मैन हो, आप ही मैन हो, तो फिर आप हिटमैन कैसे बन गए? क्या आपने खुद को मारा? सेल्फ अटैक। सेल्फ अटैक, तुम सबने मुझे क्यों मारा? देखिए सर, जब हम लोग यहाँ पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और आप बीच में आके हमें डिस्टर्ब कर देंगे तो हम भी आपको डिस्टर्ब करेंगे। वो कैसे? ऐसे। अरे बाप रे बाप, छोड़ो मुझे, मार दे। अरे बाप रे बाप। ए क्या कर रहे हो भाई? सर पढ़ाई कर रहा हूँ सर। अच्छा, फोन पर चैटिंग कर रहे हो या लैपटॉप पे? वो देख रहे हो? नहीं सर, सच में पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या बात है, तुम तो सच में पढ़ रहे हो, देखकर अच्छा लगा। कीचड़ के बीच में एक कमल का फूल देख रहा हूं। पढ़ो बेटा, अगर ये चाहिए होगा तो बताना सर। अरे अरे वो नहीं बेटा, टी बिस्किट दूध जूस जो चाहिए मुझे बताना, जब भी चाहिए ला कर दूंगा। सर उसकी भी मुझे आदत नहीं है। हाँ, सर बहुत बढ़िया, बड़े आदमी बनोगे तुम। पढ़ो बेटा पढ़ो। अरे बाप रे। सर क्या हुआ सर, आप ठीक तो है ना? स्वीट मेमोरीज, साल पूरा होते ही वो चले जाएंगे, वो मुझे याद रखेंगे, लेकिन मुझे तुम हमेशा याद रहोगे। पढ़ो बेटा, पढ़कर फर्स्ट आओ। अरे बाप रे। चंदू, कृष्णा। हे तू यहाँ क्या कर रहा है? यहीं पर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं। कितने दिन हो गए तुझे मिलकर। अच्छा तू हैदराबाद में क्या कर रहा है? फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहा हूँ। अपनी कहानी तो रेडी कर ली, बस प्रोड्यूसर ढूंढ रहा हूँ। चला कॉफी पीते हुए बात करते हैं। क्या चाहिए? दो कॉफी देना। एंड कॉफी नहीं यार, भूख लगी है, दो दिन से कुछ खाया नहीं है। खाना स्टार्ट कर यार, चल। पढ़ाई छोड़कर फिल्मों के पीछे भाग रहा है तू, इतना पागलपन जरूरी है क्या? कृष्णा पढ़ाई के बाद डिसाइड करता कि मुझे क्या करना है।
डायरेक्टर बनना तो मेरा बचपन से सपना था। रामायण, महाभारत, भगवद गीता, इन सब से ज्ञान लेके आदमी जिंदगी समझ जाएगा, उसी को तो डायरेक्टर कहते हैं। गुड यार, अपना यही कॉन्फिडेंस बरकरार रखना। अरे तुझे पता है कृष्णा, राधा राधा भी यही हैदराबाद में है। अच्छा तो वो यहां है। अरे एक मिनट रुक। अरे नहीं कृष्णा, रख ले भाई, काम आएंगे तेरे। अरे चंदू, चंदू। राधा कौन से कॉलेज में है? कोटी विमेंस कॉलेज। रोमियो, यहाँ क्यों बैठे हो? किताबों के साथ ही पैदा हुए थे क्या? चलो चलो ना। खुशी, कहाँ जाना है? हनीमून पर जाना है, चलो आ जाओ। लड़कियाँ ऐसे बोलती हैं? मुझे बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देना है जो तुम्हें सिलेक्ट करना है, दैट्स ऑल, कम ऑन। शो मी दैट वन। यस मैम, ये लीजिए। ओके, what are the features? It's a 3.2 megapixel camera. Yes. अच्छा, इसका updated version कब तक निकलेगा? This is the latest and the best. इंटरमीडिएट में हम दूर हो गए थे कृष्णा, एटलीस्ट अवॉइड करने का रीजन तो बता सकते थे ना? ऐसी कोई बात नहीं है राधा, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और यहीं पर हॉस्टल में रह रहा हूँ, गांव जाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। अगर हमारी फ्रेंडशिप तुम्हारी पढ़ाई के बीच में आ रही थी और इसलिए तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे तो ठीक है कृष्णा। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो राधा, मेरे पढ़ाई का इंस्पिरेशन तुम ही हो। अच्छा तुम HSC में फर्स्ट आई, बाकी एग्जाम्स में भी फर्स्ट आई, तो फिर तुम इंजीनियरिंग छोड़कर BCom क्यों कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि मेरा एम CA बनना है। तो फिर उस शोरूम में पापा की जो पेंशन आती है उसमें घर और बहन की पढ़ाई का खर्च ही निकल सकता है, हॉस्टल की फीस माँ के ऊपर बोझ ना बने इसलिए मैं वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। एनीवे, तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कृष्णा। लेट हो रहा है, चलें क्या? चलते हैं। तो यहाँ बैठे हो, मोबाइल शॉप में मेरे साथ गए तो थे, फिर वहां से गुल हो गए। कौन थी वो, सेल्स गर्ल या कॉल गर्ल? उसके बारे में एक शब्द गलत बोला ना तो मार डालूंगा, वो मेरी जान है। और सुनो, तुम जैसी कितनी भी आए और कितनी भी जाए, लेकिन मैं उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। मेरी चाहत, मेरा इंस्पिरेशन, ये पढ़ाई भी मैं उसी की वजह से कर रहा हूं। आई लव हर। Mm-hmm.
हेलो कृष्णा, मैं राधा बोल रही हूँ। हाँ राधा बोलो। राधा वन मिनट। चलते हैं। इसका बिल बना दीजिए। थैंक यू। वेलकम कृष्णा। विदाउट एम यू आर नथिंग। और अब्दुल कलाम सर ने कहा है एम के बिना हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। अब्दुल कलाम सर मतलब मेरे आइडल, क्योंकि वही है जो जिन्होंने यूथ को इंस्पायर किया है। ड्रीम वो नहीं जो सोने के बाद आए, ड्रीम वो है जो आपको नींद ना आने दे जब तक वो पूरा ना हो जाए। और वही ड्रीम मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ। अमेरिकन कंपनी में जॉब करनी है तो ये बुक्स तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। मेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी से ये छोटा सा गिफ्ट। इस वक्त राधा का फोन। हेलो राधा, क्या हुआ? माँ की कंडीशन बहुत सीरियस है। फोन आया था इसलिए काम जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं ना? एग्जाम से ज्यादा माँ इम्पोर्टेंट है ना। ऐसे गांव जाने के लिए निकल ही गई थी, लेकिन दिल किया कि एक बार तुम्हें बताती जाऊं, इसलिए फोन कर दिया। चलती हूँ। कृष्णा मन लगा कर पढ़ना। राधा जब जब मेरे करीब आई तब तब किस्मत उसे मुझसे दूर ले गई और उसकी यादें मेरे दिलो दिमाग में और गहरी होती चली गई। क्या रे, तुझे कॉलेज के अंदर और कॉलेज के बाहर एक चाहिए क्या? ठीक है, हम लोग एक मांडवली करते हैं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड तुझे देता हूं, और कल रात जिसको तूने टाटा किया ना वो मुझे दे दे। Ah!
नहीं नहीं देखो मैंने भी छोड़ दिया ना, अब हम मारपीट नहीं करेंगे, प्रॉमिस। ये प्यार जो है ना, ये कोई एक्सचेंज करने वाला खेल नहीं है। प्यार करता है तो सिर्फ प्यार कर। आज के बाद अगर राधा का नाम भी लिया ना, हट। एजुकेशन कंप्लीट होना, ये था क्वार्टर फाइनल। जॉब ज्वाइन किया, ये था सेमीफाइनल। राधा की ना कोई खबर ना कोई रिप्लाई। उसकी याद में उसकी दी हुई बुक्स पढ़ता रहा और वही मुझे हेल्पफुल साबित हुई। मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया, अमेरिकन कंपनी में मुझे जॉब मिल गई, मेरी लाइफ का फाइनल मैं जीत गया और अब मुझे मेरा प्यार हासिल करना था। तुम्हारे नए प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। हेड ऑफिस अर्जेंटली तुम्हें अमेरिका भेजना चाहती है, तुम अपनी तैयारी कर लो। दिस इज योर चेक। और चाचा जी कैसे हैं आप? हाँ हाँ मैं एकदम बढ़िया हूँ। अरे कृष्णा, इतनी सुबह सुबह, सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? हाँ पापा। ये रही आपके बेटे की पहली कमाई, पूरे 1,00,000 रुपए। हाँ? हाँ? आज तक आपने बहुत मेहनत की है पापा, अब इन बकरियों को बेचकर आराम कीजिए। कृष्णा, आज 3,00,000 रुपए की तनख्वाह आई है तो इन सब की वजह ये बकरियां हैं। जब इंसान के अच्छे दिन आते हैं तो उसे पुराने दिन भूलने नहीं चाहिए, और मेरे लिए ये बकरियां बिल्कुल तेरी तरह हैं। सॉरी पापा। चल छोड़ना, तू घर जा बेटा, मैं इन्हें जरा चरा कर आता हूं। मां मां कृष्णा, इन कपड़ों में कितना अच्छा लग रहा है बेटा। माँ, आ बैठ। माँ, बैठ जाओ, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा बेटा हूँ। ये देखो माँ, तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी लाया हूँ। पेन ले लिया? पेन? अरे जैसे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। क्या हुआ माँ, बन गया ना बड़ा आदमी? सर, नमस्ते सर।
तुम कौन हो बेटा? सर, आप शायद मुझे भूल सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकता। इंटरमीडिएट में था तब मैं राह भटक गया था, आप ही ने मुझे रास्ता बताया था। आज आपकी वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं सर। और तो और, कंपनी ने मेरा प्रमोशन किया है सर, और मुझे अमेरिका भी भेज रही है। मेरी कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट आज अमेरिका में इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गया है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। सर, एक कॉफी पियेंगे मेरे साथ? क्यों नहीं पियूंगा बेटा, जरूर पियूंगा, पिलाओ। चीयर्स। ये क्या सर, कॉफी पीने के लिए कहा तो आप यहाँ लेकर आए हो? अरे मैं कौन सा रोज पीता हूँ बेटा, आज तो एक अच्छा ओकेजन है, इसलिए सेलिब्रेशन होना चाहिए। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को देखता हूँ तो मुझे अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होता है। मेरे डिसिप्लिन की वजह से ही तो आज तुम सक्सेसफुल हो, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। फ्रस्ट्रेशन, प्यार की फ्रस्ट्रेशन, शादी की फ्रस्ट्रेशन, शादी की तो उसकी बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन, 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 फ्रस्ट्रेशन। बेटा, अभी तुमने मेरी मार्केट में बहुत ज्यादा तारीफ की थी, बता सकते हो कि उसकी क्या वजह थी? कुछ बोलो भी बेटा। पहले लक्ष्य हासिल करो, उसके बाद प्यार करो। प्यार पाने के लिए अपने लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। ओह, तो ये बात। बेटा, हम तो सबको सही बात ही समझाते हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, कुछ लोग जो सुनते हैं वो तेरे जैसे बड़े बन जाते हैं, और जो नहीं सुनते हैं वो मेरे जैसे बेवड़े बन जाते हैं क्या? बाबू साइलेंस, साइलेंस बाबू, साइलेंस। सब लोग अपना मुंह बंद कर लो। मैं डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाया बेटा, क्योंकि मैं हार गया था प्यार में। सर, आपकी भी प्रेम कहानी थी? देवदास की भी एक प्रेम कहानी थी, और तुम्हारे इस बुढ़ऊ सर की भी एक प्रेम कहानी है, उसकी भी प्रेम कहानी है, इसकी भी प्रेम कहानी है, हर इंसान की एक प्रेम कहानी होती है। अब आपने मुझे मारा क्या? सेम स्ट्रोक आपने फिर मुझे मारा? सवाल वो पूछ रहा है, जवाब मुझे देने तो तू बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है बेटा? इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ सर, दिस इज टू मच। अगर पब्लिक में बैठ के बात करोगे तो पब्लिक जवाब देगी ना सर? नहीं, जवाब वो देगा जिसे सवाल पूछा गया। ठीक है, आप सवाल पूछिए। तू कौन है? भास्कर। पकड़ो, कम ऑन, पकड़ो। तू बार के अंदर क्या फील कर रहा है? फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ। वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्या? ये फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्या? तो फिर ये बता कि तू फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है? बता क्यों है फ्रस्ट्रेशन? अब नहीं होऊंगा। ये बार फ्रस्ट्रेशन निकालने की जगह नहीं है, सेलिब्रेशन की जगह है। एक बात बता, आज के बाद अगर तू बार में आया, यहाँ का शराब नहीं पिएगा तो फ्रस्ट्रेट होगा क्या? सोच के बताता हूँ, अब नहीं होऊंगा। आई लव यू बेटा। आई टू लव यू। आई थ्री लव यू। आई फोर लव यू। इडियट्स। हाँ तो बेटा, तू मेरी लव स्टोरी के बारे में जानना चाहता था? गायत्री नागराजन को लिखा हुआ मेरा प्रेम पत्र। गायत्री मेरी प्रेमिका, मेरी प्रेम कहानी, मेरी जिंदगी थी। अलग कैसे हुए सर? तब मैं एक बहुत ही मामूली टीचर था। गायत्री के माँ बाप चाहते थे कि गायत्री की शादी किसी नामी डॉक्टर या इंजीनियर से हो, ना कि मुझ जैसे किसी मामूली टीचर से। उन्होंने मुझे बहुत जलील किया और कहा कि मैं एक मामूली टीचर हूँ, मेरी औकात ही क्या है, और उन्होंने गायत्री की शादी कहीं और करवा दी। तब से ये लव लेटर मैंने संभाल के रखा है। आज वो साथ नहीं तो क्या हुआ, उसकी यादें तो साथ हैं। सॉरी सर। वैसे बेटा, तेरे प्यार का क्या हुआ? सर, जब पढ़ाई कर रहा था तब आपने कहा था कि अपना फोकस लक्ष्य पर रखो, और आज आप खुद ही इस बारे में पूछ रहे हो। बेटा, जब तक बच्चा चलना नहीं सीखता तब तक माँ बाप उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाते हैं, पर जब चलना शुरू कर देता है तो फिर वो भागने लगता है, तो फिर गिरने का डर लगा रहता है। दोनों ही बातें जायज है। उस हालात में वो जरूरी था, आज के हालात में ये जरूरी है। जैसे वक्त बदलता है वैसे ही प्यार का मतलब बदल जाता है, और जब मतलब बदल जाता है तो लड़की भी बदल जाती है। उसे प्यार नहीं कहते हैं कृष्णा। माय डियर शिष्य, तू जब भी आईने में देखे तो तुझे वही नजर आनी चाहिए। जब तू आंखें बंद करे तो वो तेरे साथ है, तुझे ये एहसास होना चाहिए। क्या तुझे कभी ऐसा एहसास हुआ है बेटा? हर पल हर जगह बस वही नजर आती है सर। अब तेरी लाइफ जर्नी सिंगल रोड पर नहीं चलेगी, बल्कि हाईवे पर चलेगी, वो भी फुल स्पीड में। जा, उसे अपने दिल की बात बता दे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, गो। थैंक यू सर।
राधा, राधा, कृष्णा तुम यहाँ आओ ना, अंदर आओ, बैठो ना। कैसी हो राधा? मैं ठीक हूँ। मम्मी, छोटी? सब लोग ठीक है। छोटी कॉलेज गई है। तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची? सीए कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो कृष्णा? सॉफ्टटेक में जॉब कर रहा हूँ। कल ही मेरा प्रमोशन हुआ है और नेक्स्ट वीक मैं यूएस जा रहा हूँ। कंग्रेट्स कृष्णा। राधा, छोटा सा गिफ्ट प्लीज ले लो। थैंक्स राधा। हुँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है राधा। कृष्णा, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ आंटी। बैठो बैठो। अरे राधा, आए हुए मेहमान से सिर्फ बातें ही करती रहोगी या चाय नाश्ता भी खिलाओगी? अरे मैं तो भूल ही गई, भुलक्कड़ कहीं। अभी लेकर आती हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हारे दिल में क्या है मुझे अच्छे से पता है, पर मेरा ये घर मेरी बेटी के सहारे चल रहा है। मेरी बेटी से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। मेरे सपनों को बिखेरो मत बेटा। अगर तुम इस बात पर अड़ जाओगे कि तुम्हें मेरी बेटी राधा ही चाहिए, तो मैं और छोटी फांसी लगा लेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को भूल जाओ। राधा आ रही है। अरे बेटा, मैं एक बात तो तुमसे पूछना भूल ही गई, तुम्हारे मम्मी पापा की तबीयत कैसी है? ठीक है आंटी। कृष्णा कॉफी। रहने दो, मैं चलता हूँ राधा। क्या हो गया? कम से कम कॉफी तो पी लो। पी लेता, लेकिन कुछ अर्जेंट है इसलिए जाता हूँ। जाते समय जाकर आता हूँ ऐसा कहते हैं, जाता हूँ ऐसा नहीं कहते। ठीक है। तुम ये आईडी कार्ड घर में भूल आए थे, इसलिए मैं देने आई हूँ कृष्णा।
उस दिन जो गया था तो आज वापस लौटा हूं। ड्राइवर कार रोकना। बेटा सबके सामने मेरी इज्जत मत उछालो, चाहो तो मेरा गोल्ड मेडल रख लो, बाकी के पैसे मैं जल्दी ही दे दूंगा। आपको देना है 50,000 रुपए, बाकी का कहां से देंगे? निकालो इनको यहां पर से जल्दी, चलो निकालो। सब जाइए यहां से। ये गोल्ड मेडल और उसके अंदर का। एक प्लेट इडली दादी माँ। ये लो बेटा। बहुत भूख लगी है बेटा। ये ले और खा ले। ले। नहीं दादी नहीं, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है दादी। पैसे देने की जरूरत नहीं बेटा, तू बस पेट भर के खा मेरे बच्चे, पेट भर के खा। अरे ये क्या 1,000 रुपए दे रहे हो बेटा? रख लीजिए दादी माँ। महीना भर काम करूंगी फिर भी इतना नहीं कमाऊंगी। मैं कह रहा हूँ दादी माँ, रख लीजिए, रख लीजिए ये। अरे आजा आजा, मैडम आ गई। नमस्ते। अरे नमस्ते। अरे ये सब क्या है सीनू, इसकी क्या जरूरत थी? मैं तुम्हारी क्लासमेट सुजाता हूँ, समझ गए? अच्छा सब अंदर आ गए? चंदू और दूसरे आ गए, कृष्णा भी रास्ते में है। आइए ना, आइए आइए। मैं जिस दुनिया में जीता हूँ उसमें राधा नहीं है, पर वही मेरी दुनिया है। यही सोचकर मैंने इतने दिन गुजार दिए। उसकी जब भी याद आती थी एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता था, लेकिन तभी उसकी माँ के आंसू मुझे याद आते थे और कदम रुक जाते थे। अब कुछ ही पलों के बाद मैं राधा से मिलने वाला हूँ। प्रिंसिपल की वजह से मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ मिला, और आज दोस्तों की वजह से मेरे प्यार को एक नया मोड़ मिलेगा। आज भले कुछ भी हो जाए मैं अपने दिल की बात राधा को बोलकर ही रहूंगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा की शादी हो गई हो? नहीं नहीं पर अगर शादी हो गई होगी तो नो नो चांस, ना ये गांव बदला है और ना मेरी राधा बदली होगी, ये मुझे अच्छे से पता है। राधा सिर्फ मेरी है। कृष्णा, तू भाई? मैं तो एकदम मस्त हूँ यार। ए गंगाधर कैसा है? यार मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ बाबजी। अरे राजू तू ऐसा कैसे हो गया यार? सेहत थोड़ी खराब हो गई यार। भाई सूट में क्या मस्त लग रहा है यार। बस कर रहा है। नमस्कार बेटा। प्लीज सर। नहीं मैं वही एबीसीडी वाला कृष्णा हूँ। सर यह वेंकटेश्वर भगवान का श्रृंगार करने में काम आ सकता है, यही आपको मिला हुआ गौरव है, आपकी आबरू है, संभाल कर रखिए। बैठिए। सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं कृष्णा। ए कृष्णा, हमारे नेक्स्ट गेस्ट आ चुके हैं, मिस्टर कृष्णा। कृष्णा प्लीज कम ऑन द डायस। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। हे चंदू। हाय सुजाता। हाय। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पल हैं, आपकी यादें हैं। आप लोग एक एक करके आइए और अपने अपने अतीत को शेयर कीजिए। सबसे पहले सुजाता प्लीज। पूजनीय गुरुजी और मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार।
एक स्टूडेंट की सक्सेस के पीछे एक टीचर का हाथ जरूर होता है, और आज हमारे सारे गुरुओं को मैं मेरी सक्सेस का पूरा श्रेय देती हूँ। दोस्तों, अगर हमारे गुरुओं ने हमें सही वक्त पर डांटा नहीं होता तो कृष्णा जहाँ पर है तेरी नजर क्या राधा को ढूंढ रही है। ऐसे गुरु मिलने के कारण अब हम हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप के अलावा अगर किसी और का श्रेष्ठ स्थान है राधा नहीं तो आई वो यार। सिर्फ हमारे गुरु हैं। इसलिए मैं हमारे सारे गुरुओं को दिल से नमन करती हूँ। मेरे साथियों ने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। अब हमारा कृष्णा दो शब्द कहेगा। कृष्णा सबको मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, एक एम लेकर चलने वाला कभी कभी आगे भी जा सकता है और पीछे भी रह सकता है, मेरी तरह। लेकिन लक्ष्य हासिल करना जरूरी है। जो भी हम हासिल करते हैं वो हमें शिक्षा देने वालों का बड़प्पन होता है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। मान लीजिए कि हम किसी भी रास्ते पर चल रहे हो, उस पर कोई बड़ा सा एक पत्थर पड़ा होता है। सब लोग उसे लात मारते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक शिल्पकार उसी को एक रूप देता है। रास्ते में पड़े पत्थर को वो मूर्ति में तब्दील करता है। वही ठोकर मारने वाले उस पत्थर के सामने हाथ जोड़कर उसकी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी उसे आकार देने वाले शिल्पकार को कोई नहीं पूछता, और शिल्पकार भी कोई आशा नहीं रखता है। वो दूसरे पत्थर ढूंढकर उसे आकार देने में लग जाता है। आज मैं इंजीनियर, सुजाता आईएएस, चंदू डायरेक्टर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स हैं, लेकिन हमें बनाने वाले सर वो तो बेचारे कहीं पीछे की सीटों पर बैठे हैं, और हमें तो पहुंचा दिया उन्होंने इस स्टेज पर। माँ बाप अपने बच्चों को जायदाद बांटने में कम ज्यादा तो कर सकते हैं, पर एक गुरु के पास जो विद्या होती है वो कभी भी किसी विद्यार्थी को वो कम ज्यादा नहीं बांटता, और यही उनकी महानता है। इस प्रपंच में से हर किसी को कुछ ना कुछ बनाकर वो लोग खुद जैसे हैं वैसे ही रहे, और वो शख्स हैं मेरे गुरुगण। और इसलिए आज मैं गुरुर देवो भव नाम का ट्रस्ट स्थापित कर रहा हूं। फ्रेंड्स, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूं, लेकिन नहीं, मैं फेल हूं। ये इंजीनियरिंग का जॉब, अमेरिका में जॉब, ये सब मुझे कैसे मिला? एक लड़की की वजह से, एक लड़की के इंस्पिरेशन की वजह से। अगर वो मेरी जिंदगी में ना आई होती तो आज मैं इस स्टेज पर ना खड़ा होता। वो यहां आएगी मैंने सोचा था, पर नहीं आई। अपने प्यार को हासिल करने वाला ही लाइफ में सक्सेसफुल होता है, लेकिन मैं तो हार गया, पूरी तरह से मैं हार गया। इस स्कूल लाइफ की मेरी यादें और वो आएगी ऐसा मैंने सोचा था। कब से मैंने अपने दिल में कितनी बातें छुपा कर रखी थी उसके लिए, ताकि कभी तो उसके साथ शेयर कर सकूं। मैं अक्षरों को काली भैंस के समान मानता था, लेकिन उसने मुझे राह दिखाई। अंधेरे से काली हुई मेरी दुनिया में वो एक रोशनी बनकर आई थी। मैं रास्ता भटक गया था तो मुझे मंजिल दिखाई, और वो खुद कहीं खो गई।
मुझे प्यार सिखाकर प्यार की परिभाषा ही उसने बदल दी। मैं उसके लिए जान दे सकता था, लेकिन वो तो तीर की तरह निकल गई। अब तो उसकी यादें मेरी जिंदगी है। चंदू, एक बार राधा से मिलना है यार। मैं इतनी दूर तक आया हूं, उससे मिलकर कम से कम एक बार बात तो कर लो प्लीज। कृष्णा, पता नहीं राधा किस स्थिति में होगी, तू जाकर बात करेगा तो ठीक रहेगा क्या? अगर उसकी शादी हो गई हो तो क्या तू सह पाएगा? राधा को तू कितना प्यार करता है मैं जानता हूं, तू उसके दिल के बहुत करीब है, तो अब क्या तू वो मिटाना चाहता है? ऐसे ही रहने दे यार। ड्राइवर चलो। कार रुको। ए कृष्णा, क्या कर रहा है? चंदू, क्या हुआ? देख, राधा मुझे पसंद करती है, ये वहां लिखा है। यस कृष्णा, वो राधा ने लिखा है, इसकी क्या गारंटी है? यहाँ के लोगों को इस नदी पर बहुत विश्वास है, पत्थर पर अपनी इच्छा लिखने से पूरी हो जाती है। विश्वास है मुझे, चाहे किसी ने भी लिखा हो, लेकिन मेरा विश्वास है, राधा मुझे मिलेगी। कृष्णा माँ पर मुझे विश्वास है, राधा मुझे जरूर मिलेगी। चल गाड़ी में बैठ। ए, कार घुमा। राधा, कृष्णा आओ ना बैठो। कैसी हो राधा? ठीक हूँ कृष्णा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरी गुड़िया, दीदी के साथ अच्छे से खेली ना, चलो पापा बुला रहे हैं। थैंक्स राधा, चलती हूँ। पड़ोस वाले दीदी की बेटी है, मेरे बिना रहती ही नहीं। कृष्णा, पकौड़े बनाने जा रही थी, कुछ देर रुको, खा कर जाना। हाँ ठीक है। राधा, तुम्हारी माँ? माँ को गुजरे 1 साल हो गया है। तुम सीए बनना चाहती थी ना, तुम्हारी एजुकेशन का क्या? माँ की मौत के बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई कृष्णा। तुम्हारी छोटी बहन भी तो थी, वो क्या कर रही है? मेरी बहन को मैंने बीटेक तक पढ़ाया, फर्स्ट ईयर में ही उसे एक लड़का पसंद आ गया, तो मैंने दोनों की शादी करवा दी। तुम अमेरिका में सेटल हो गए हो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कृष्णा। सब कैसा है वहाँ पर, तुम्हारा जॉब, तुम्हारी लाइफ? बढ़िया है। राधा, हाँ? एक गिलास पानी मिलेगा? मटका वहाँ पर है, प्लीज ले लो ना।
ऐसी बात नहीं है राधा, इतनी दूर से आया हूं तो मैंने सोचा था कि तुम्हारे हाथों से एक गिलास पानी पी लूंगा। अरे सॉरी कृष्णा, रुको अभी देती हूँ। ये लो पानी कृष्णा। राधा ये पैर। वो एक दिन मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तब माँ क्या हो रहा है माँ माँ और तब भगवान ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया और साथ साथ मेरा पैर छीन कर मुझे अपाहिज बना दिया। राधा आज तक मैंने अपने दिल की बात तुमसे छुपा कर रखी थी पर अब और नहीं छुपा सकता। I love you राधा, I love you, I love you, I love you। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है, अब इसकी जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं राधा। मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी कृष्णा। भगवान हमेशा ताकतवर की ही परीक्षा लेता है और उनको मुस्कुराहट भी भगवान ही देता है। मेरी बेटी ने अपने प्रेम का आखिर तक इंतजार किया और भगवान ने उससे आखिर में मिलाया भी। जो लक्ष्य को हासिल करता है वो विजयी कहलाता है और जो लक्ष्य के साथ प्रेम को भी हासिल करता है वो परिपूर्ण विजयी कहलाता है। लाइफ के चैंपियन मेरे राधा और कृष्ण। राधा की माँ जहाँ पर भी थी उनके आत्मा को शांति मिली। बहुत अच्छी कहानी है बेटा। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन अभी वो राधा कृष्ण कहाँ है बेटा? वो सीधी साधी राधा अब कृष्णा राजा की रानी बन गई है और वो आज के फंक्शन की हमारी चीफ गेस्ट है। कृष्णा वेलकम। राधा तुम ठीक हो ना? आओ तुम लोगों का वेट कर रहे हैं सब लोग। हाँ प्लीज आओ। रेडी हो ना तुम? हाँ रेडी सर। सर आने के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट चंद्रू। थैंक यू सर। कृष्णा कैमरा का स्विच ऑन करो। साउंड रोलिंग। स्टार्ट कैमरा। क्लैप। रामालक्ष्मी सिने क्रिएशन। कृष्णा माँ ने मिला है दो दिल। मुहूर्त शॉट। आप जानते हैं सबसे कीमती चीज क्या होती है? सबसे कीमती चीज होती है मोहब्बत। और जब सच्ची मोहब्बत मिले तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरना चाहिए। उसी में